नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं टनल वायरिंग। और ये जो वायरिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी भी ट्रेड टेस्ट या आप स्किल टेस्ट में जाते हैं तो उस जगह पर ये वायरिंग है वो ज्यादातर पूछ ली जाती है। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में ट्रेड टेस्ट या जो आपका स्किल टेस्ट होता है उसमें ज्यादातर पूछा जाता है, जैसे टनल वायरिंग हुआ, गोडाउन वायरिंग हुई, स्टेयरकेस वायरिंग हुई या आपकी हॉस्टल वायरिंग हुई। ये इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी कंपनी का ट्रेड टेस्ट हो, चाहे वो DRDO का हो, BARC का हो या IREL का हो, तो सभी जगह ये कनेक्शन तो पूछे ही जाते हैं। और जो आगे पूछे जाते हैं वो हम आगे सभी आपको कवर कराएंगे। तो आज की वीडियो में हम टनल वायरिंग के बारे में समझेंगे, इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे और उसकी सहायता से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप टनल वायरिंग को अच्छे से समझ पाए और इसके बाद आप कभी इसको ना भूलें। क्योंकि अभी कई जगह पर आपने देखा होगा कि टनल वायरिंग और गोडाउन वायरिंग को एक ही बताया जाता है कि दोनों एक होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टनल वायरिंग और गोडाउन वायरिंग में बहुत डिफरेंस है जो हम आगे वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप गलत देख के जाएंगे तो आप जो भी स्किल टेस्ट करेंगे उसमें गलत करके आ जाएंगे, तो आपको इसको सही से समझना है। तो आज हम आपको सही से इसको बताने वाले हैं, जो इसका रियल सर्किट डायग्राम है या रियल कनेक्शन है वो हम आपको बताने वाले हैं। और इसके बाद हम सारे जो प्रैक्टिकल हैं वो भी करेंगे, लेकिन जो हमारा टनल वायरिंग का है, पिछला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जो पहला पिछला जो वीडियो है वो हमारा टनल वायरिंग का प्रैक्टिकल वीडियो था, वो हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं या हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो मान लीजिए आप किसी भी ट्रेड टेस्ट को देने गए हैं और आपसे वहां से क्वेश्चन कर लिया है कि आपको चार लैंप का, ठीक है, चार लैंप का टनल वायरिंग कनेक्शन करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको चार लैंप दे दिए, हो गए। तो चार लैंप का कनेक्शन करने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या आपको लेना पड़ेगा जिससे आप चार लैंप का कनेक्शन कर पाए। क्योंकि अगर आप स्किल टेस्ट में जाते हैं तो आपको सामान खुद बताना पड़ेगा कि हमें क्या क्या सामान चाहिए, और उसके बाद आपको उसका सर्किट डायग्राम बनाना होता है, उसके बाद आप प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसके लिए आपको चार टू वे स्विच की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, चार टू वे स्विच की जरूरत पड़ेगी। और टू वे स्विच क्या होता है कि जो हमारा स्विच ऐसा हो जिसमें हमारे तीन पॉइंट हो, ठीक है, तीन पॉइंट हो, तो एक बार इस पे कनेक्ट होता है वो, एक बार इस पे कनेक्ट होता है, और ये हमारा इसमें कॉमन टर्मिनल होता है, ठीक है। टू वे स्विच के तीन पॉइंट होते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो आपको ऐसे स्विच लेना है जिसमें तीन पॉइंट हो, तो ऐसे आपको चार स्विच लेना है, और उसके बाद आपको चार होल्डर भी लेना होगा जिससे आप जो लैंप है उसको कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो इतना सामान लगेगा और कुछ वायर्स लगेंगे। तो देखिए, हमने चार लैंप का हमें करना है, तो एक लैंप हमारा ये है और एक लैंप हमारा ये है और एक लैंप हमने यहां पर लगाया और एक लैंप हमारा यहां हो गया, ठीक है। अब हमें चार टू वे स्विच की भी जरूरत है, तो यहां पर हमें टू वे स्विच का सर्किट डायग्राम बनाना है। तो ये हमारा टू वे स्विच का सर्किट डायग्राम है, जो एक साइड कनेक्ट रहता है, एक साइड डिस्कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो लैंप है उनके जो नीचे है ये बना लेना है, स्विच बना लेना है, टू वे स्विच का सर्किट डायग्राम बना लेना है, और एक साइड आपको इसको कनेक्ट करना है और दूसरी साइड आपको इसको डिस्कनेक्ट रखना है, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम होता है टू वे स्विच का। तो ये आपके टू वे स्विच हो गए। अब इसके आपको कनेक्शन करना है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो आपका स्विच होता है उसमें हमेशा आपने फेस ही कनेक्ट करना किया होता है, लेकिन ये जो वायरिंग है टनल वायरिंग में हमेशा जो इस जो स्विच है उसमें न्यूट्रल भी जाएगा और फेस भी जाएगा, इसमें दोनों को देना होगा हमें, तभी हम इसके कनेक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ही सावधानी से करना होता है। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधानी से करना होगा। अगर आपका न्यूट्रल और फेस, ये जो स्विच के पॉइंट होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, अगर गलती से ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाते हैं तो वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत सावधानी से टनल वायरिंग करना है। तो आपको क्या करना है, ये जो फेस हुआ और यहां पर न्यूट्रल है, ठीक है, तो आपको फेस लेना है और जो आपके चारों स्विच है, तो चारों स्विच का जो एक एक टर्मिनल है ऊपर वाला, ठीक है, यहां पर आपको फेस कनेक्ट कर देना है। यहां पर फेस कनेक्ट हुआ, उसके बाद आपका है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को उठा के आपका जो नीचे वाले टर्मिनल है स्विच के,
वहां पर न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है। तो आप देखेंगे कि दोनों हमारे ऊपर और नीचे वाला जो पॉइंट है वहां पर हमने न्यूट्रल फेस को कनेक्ट कर दिया है। और इसके बाद अब इसके चार टर्मिनल बचेंगे हमारे, ये कॉमन टर्मिनल आएंगे इसके स्विच के, ठीक है, ये कॉमन वाले हैं, बीच वाले हैं। तो इसकी सहायता से ही हमें लैंप के कनेक्शन करने हैं। तो देखिए ये लैंप 1 है, ये लैंप 2 है, ये लैंप 3 है और ये लैंप 4 है और ये S1, ठीक है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4, ये हमारे चार स्विच हैं। तो इसके अब कॉमन टर्मिनल से हमें इसके कनेक्शन को करना है। तो देखिए यहां से आपको कॉमन टर्मिनल से वायर को लेना है, तो हम एक वायर को लेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे हमारा जो L1 है, लैंप 1 है उसमें, ठीक है, जो भी होल्डर लगा होगा उसमें कनेक्ट कर देंगे। और इसके बाद आपको यहां से एक वायर और कनेक्ट करना होगा, चाहे आप यहां से ले सकते हैं, यहां से यहां कनेक्ट करना है, चाहे आप यहां से यहां कनेक्ट कर देते हैं। तो हम यहां से स्विच से लेते हैं, तो आपको सभी स्विच के कॉमन टर्मिनल से दो दो वायर को कनेक्ट करना है, ठीक है। जैसे हमने दो वायर यहां से उठाए, तो इसी प्रकार से आपको सभी जो कॉमन टर्मिनल है उससे दो दो वायर निकलेंगे, ठीक है। तो अब आपने यहां से दो उठाए, तो एक L1 में कनेक्ट कर दिया है और एक L2 में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद अब आपको ये जो टू स्विच नंबर 2 है, इससे भी आपको दो दो वायर उठाने हैं। तो एक वायर को कहां कनेक्ट करना है, जो आपका स्विच जो लैंप वन है उसमें कनेक्ट करना है। और एक वायर और आप यहां से उठाएंगे, तो इसको ले जाके आपको कहां कनेक्ट करना है, लैंप जो 3 है उसमें कनेक्ट करना है। 2 में आपको यहां से नहीं करना है, स्विच 2 से 2 में नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद आप आते हैं तीसरे वाले स्विच पर। तो तीसरे वाले स्विच से आप एक वायर उठाएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे कहां से, जो आपका लैंप नंबर 2 है उसमें कनेक्ट कर देंगे यहां से। इसके बाद आप जो स्विच नंबर 3 है उससे एक वायर और कनेक्ट करेंगे और इसको लेके जाएंगे जो लैंप 4 है उस पर, ठीक है। तो आपको यहां पर लैंप 4 पर कनेक्ट कर देना है। अब आपके लैंप 3 और लैंप 4 का एक एक टर्मिनल बचा हुआ है और आपका स्विच 4 के एक टर्मिनल बचा हुआ है, तो इससे भी आपको दो वायर लेना है। तो एक वायर को तो कनेक्ट करना है जो आपका लैंप नंबर 3 है उससे, और एक वायर को कनेक्ट करना है जो लैंप नंबर 4 है उससे। तो इस प्रकार से आपकी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसकी वायरिंग करना है। अब हम जान लेते हैं कि ये जो वायरिंग है, इस प्रकार से तो हमने कर ली, अब ये वर्क कैसे करेगी, इसको हम क्यों टर्मिनल वायरिंग बोलते हैं। तो अभी क्या है, हमारा कोई भी लैंप ग्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जो सारे स्विच हैं वो अभी हमारे फेस के साथ कनेक्ट हैं। आप देख रहे होंगे इस साइड जो न्यूट्रल है उससे डिसकनेक्ट है, कोई भी स्विच है हमारा इससे कनेक्ट नहीं है न्यूट्रल से। और जो कॉमन टर्मिनल है उस पर जिससे कनेक्ट होगा वही सप्लाई जाएगी। तो सभी लैंप है उसमें हमारी सिर्फ फेस सप्लाई आ रही है, इसमें भी फेस सप्लाई आ रही है, इसमें भी फेस, दोनों टर्मिनल पर फेस सप्लाई ही आ रही है। इसलिए हमारा कोई भी लैंप है वो जलेगा नहीं, क्योंकि हमें लैंप को जलाने के लिए उसमें न्यूट्रल और फेस दोनों को देना होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी वर्किंग को समझे, तो मान लीजिए टनल में जब हम एंट्री करते हैं, अंदर जाते हैं, तो अब देख लीजिए जैसे हमने यहां पर इस स्विच को प्रेस किया, तो ये जो कनेक्ट था यहां से तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और यहां पर ये डिस्कनेक्ट था तो यहां से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो जब ये यहां से कनेक्ट होगा तो आप देख रहे होंगे कि ये न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया, और जब ये न्यूट्रल से कनेक्ट होगा तो आप देखेंगे कि लैंप 1 और लैंप 2 दोनों को न्यूट्रल मिल जाएगा। जब दोनों को यहां से न्यूट्रल मिलेगा, और आप देख रहे हैं कि जो स्विच नंबर 2 है उससे लैंप 1 को फेस सप्लाई मिल रही है, यहां से देखिए फेस सप्लाई इसको मिल रही है, यहां से ये फेस है, तो लैंप 1 को स्विच 2 से फेस मिल रहा है और स्विच 1 से न्यूट्रल मिल रहा है, तो ये जल जाएगा, ये वाला जो बल्ब है आपका जल जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि लैंप 2 को भी न्यूट्रल मिल गया है, और S3 से जो स्विच नंबर 3 है उससे इसको फेस मिल रहा है, तो ये हमारा ये स्विच भी जो लैंप है ये भी जल जाएगी। तो हमने इस स्विच को प्रेस किया सिर्फ, ठीक है, इस स्विच को प्रेस किया, हमारे दो लैंप जल गए। अब इसके बाद जब हम आगे जाएंगे, ठीक है, आगे जाएंगे, तो जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे, तो इस स्विच को प्रेस करेंगे तो यहां पर तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर ये डिस्कनेक्ट था तो यहां पर ये कनेक्ट हो जाएगा। जब ये यहां पर कनेक्ट होगा तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये न्यूट्रल से कनेक्ट हुआ दोबारा, ठीक है। तो अब ये दो पायर जहां जहां कनेक्ट हो रहे हैं वहां वहां पर इसको न्यूट्रल पहुंच जाएगा। तो अभी न्यूट्रल कहां कहां जा रहा है, एक तो लैंप 1 पर जा रहा है, ठीक है,
और लेफ्ट बंद से अब यहां से भी न्यूट्रल पहले से कनेक्ट था, तो जब दोनों जगह पर इसको न्यूट्रल मिल गया है दोनों पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट है ये तो ये जो बल्ब है ये तो बंद हो जाएगा क्योंकि इसको अब फेज सप्लाई नहीं मिल रही है, सिर्फ न्यूट्रल मिल रहा है दोनों पॉइंट पर, तो ये जो बल्ब है वो बंद हो जाएगा जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे। और अब आगे देखेंगे कि इससे आपको जो लैंप थ्री है इसको भी न्यूट्रल मिल गया है और लैंप थ्री को स्विच नंबर फोर से यहां से फेस मिल रहा है, तो जब ये स्विच को प्रेस करेंगे तो ये हमारे ये लैंप जल जाएगी। तो पहले हमारी क्या दो लैंप जल रही थी जब इस स्विच को प्रेस किया था, और जैसे ही हम आगे बढ़े इस स्विच को प्रेस किया तो ये तो बंद हो गई, उसके अलावा ये जो लैंप थ्री है ये जल गई और ये हमारी पहले से जल रही थी। तो एक टाइम पर इसमें दो बल्ब हैं वो जल रहे हैं। तो टनल वायरिंग में यही होना चाहिए कि जब भी हम एक स्विच को प्रेस करें तो उसमें हमेशा एक साथ दो बल्ब जलना चाहिए, चाहे कोई भी स्विच प्रेस करें तो दो बल्ब को एक साथ जलना चाहिए, यही टनल वायरिंग होती है। क्योंकि जैसे आप किसी सुरंग में जा रहे हैं तो उसमें बहुत अंधेरा होगा, ठीक है, तो मान लीजिए आपने यहाँ स्टार्टिंग से तो प्रेस कर दिया, अगर एक ही बल्ब जलता तो यहाँ तक आप कैसे पहुंचते, क्योंकि यहाँ तक तो अंधेरा हो जाता, तो अंधेरे में तो आपको चलना नहीं है, नहीं तो लाइट का आपको फायदा ही क्या होगा। तो इसीलिए आपको क्या होगा कि जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका ये इस बोर्ड के सामने तो ये लैंप जल रहा है, लेकिन आगे वाला भी लैंप जल गया है दूसरे बोर्ड के लिए, ये जो बोर्ड है इसके लिए भी लैंप जल गया है। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे स्विच नंबर टू के पास, जब पहुंचेंगे बोर्ड के पास पहुंचेंगे तो आपको वहां पर उजाला मिल जाएगा। तो जब फिर आप यहां से इसको प्रेस कर देंगे तो ये जो पीछे वाला लैंप है वो बंद हो जाएगा क्योंकि अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, वहां तो हमें अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, अंधेरा चाहिए लेकिन हमें आगे उजाला चाहिए, तो ये आगे वाला जल जाएगा जो दूसरा हमारा स्विच लगा हुआ है उसके सामने, ठीक है, तो यहाँ पर हमें उजाला मिल जाएगा तो हम यहाँ तक आसानी से पहुंच जाएंगे। फिर जब यहाँ पर पहुंचेंगे हम तो अब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे, तो जब इस स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ से इस साइड कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब इस साइड कनेक्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि अब जो न्यूट्रल पॉइंट है वो लैंप नंबर टू को मिल रहा है और लैंप नंबर फोर को मिल रहा है, इससे अब न्यूट्रल मिल रहा है, पहले फेस मिल रहा था अब न्यूट्रल मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ तो इसको पहले तो एस वन से न्यूट्रल मिल रहा है स्विच वन से, और इससे भी अब न्यूट्रल मिल गया है, तो ये जो बल्ब है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम तीन नंबर स्विच को ऑन करेंगे जो हमारा लैंप टू है ये अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा, तो ये बंद हो गया, फेस नहीं मिल रहा है इसको, ठीक है। और इसको देखेंगे तो यहाँ से आप न्यूट्रल मिल जाएगा इसको और फेस आप यहाँ से मिल रहा है, तो ये ग्लो हो जाएगा, ये जल जाएगा। तो जैसे ही ये बंद होगा इस स्विच को प्रेस करने के बाद और ये जल जाएगा, तो इस स्विच को जलाने के बाद हमारे ये दोनों जो लैंप है वो चालू हो गए हैं, ठीक है। अब जब आखिरी में आप जाएंगे और जो आखिरी वाला स्विच होगा, यहाँ तो हमने चार लैंप का यूज किया है, हो सकता है टनल वायरिंग में बहुत सारे स्विच हो, बहुत सारे लैंप हो, तो इस हिसाब से जब आखिरी में पहुंचेंगे आप चालू करते हुए, तो जब आखिरी वाले को चालू करेंगे तो यहाँ पर जब चालू करेंगे तो ये यहाँ से कनेक्ट हो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये कनेक्ट होगा तो आप देखेंगे कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है सारे के सारे स्विच हैं वो न्यूट्रल के साथ शॉर्ट हो गए हैं और यहाँ से फेस के साथ कोई भी शॉर्ट नहीं है, तो हमारे जो बल्ब हैं वो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे, जितने भी हमारे लैंप लगे होंगे टनल वायरिंग में वो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे, एक भी चालू नहीं रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर कोई भी चालू नहीं है क्योंकि सभी को न्यूट्रल सप्लाई मिल रही है, न्यूट्रल सप्लाई मिल रही है इसका मतलब ये इसको फेस नहीं मिल रहा है, तो ये चालू नहीं होंगे। अब मान लीजिए यहाँ से आप तो निकल गए, अब मान लीजिए आप यहाँ से रिटर्न आए या कोई दूसरा बंदा यहाँ से एंट्री कर रहा है, ठीक है, तो अब जैसे ही वो इस स्विच को प्रेस करेगा तो आपके जो दोनों बल्ब हैं वो दोबारा चालू हो जाएंगे, दोनों होंगे, जिससे जैसे आप इस साइड से जा रहे थे सेम उसी प्रकार से आपको दोनों बल्ब यहाँ पर ग्लो हो जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर देखना है यहाँ पर फेस मिल जाएगा इन दोनों को और न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है दोनों को, एक को यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है एक को यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है, तो दोनों चालू हो जाएंगे। और उसके बाद और आगे आप आएंगे इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से इन दोनों को फेस मिलेगा और न्यूट्रल आपको इन दोनों से यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, तो ये दोनों लैंप ग्लो हो जाएंगे, ये बंद हो जाएगा। तो सेम चाहे आप इस साइड से जाएं चाहे उस साइड से आएं, जब भी स्विच को प्रेस करें आपके दो बल्ब जलेंगे और जब आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे वाला बल्ब है वो ऑफ होता जाएगा और आगे वाला जो बल्ब है वो स्टार्ट होता जाएगा। तो ये होती है टनल वायरिंग। और जो गोडाउन वायरिंग होती है उसमें एक टाइम पर सिर्फ एक ही बल्ब जलता है,
तो ये डिफरेंस होता है। और ये मेन चीज ये होती है कि जो हमारा टनल वायरिंग है उसमें हमें न्यूट्रल और फेज दोनों देना होता है स्विच में, और जो हमारा गोडाउन वायरिंग होती है उसमें सिर्फ हमें फेज देना होता है स्विच में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट रह जाता है, क्वेश्चन रह जाता है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं।